जय माँ विंध्यवासिनी, जय माँ पीताम्बरा। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं दशम भाव के विषय में। दशम भाव जिसे कर्म भाव के नाम से जाना जाता है, इसे पिता का भाव या पितृ भाव के दूसरे नाम से भी जाना जाता है। इस भाव से व्यक्ति के रूप, रंग एवं मनोवृत्ति के विषय में ज्ञात किया जाता है। उस व्यक्ति का रूप कैसा होगा, सौंदर्यशाली होगा, कुरूप होगा या मध्यम श्रेणी का उसका रूप रंग होगा। रंग के विषय में हम पहले के भावों में चर्चा कर चुके हैं, वही बात है कि गौर वर्ण, श्याम वर्ण, गेहुआ रंग इत्यादि के विषय में रंग की जानकारी होती है। और मनोवृत्ति, व्यक्ति किस मनोवृत्ति का होगा, धार्मिक मनोवृत्ति का होगा, व्यावसायिक मनोवृत्ति का होगा, कंजूस मनोवृत्ति का होगा, दानशील मनोवृत्ति का होगा, बहुत धन खर्च करके आनंद लेने वाला, उनका उपभोग करने वाला होगा, या धन होते हुए भी उसे पकड़कर बैठकर असंतुलित अल्प जीवन जीने वाला, अल्पाभाव में जीने वाला किस मनोवृत्ति का होगा, इस सारी बातों की जानकारी इसी दशम भाव के द्वारा ज्ञात की जाती है। व्यक्ति की पात्रता यानी कि यदि कोई विद्या ग्रहण कर रहा है तो वह कितना पात्र है। एक गुरु भी किसी शिष्य को शिक्षा का दान तभी देता है जब वह यह ज्ञात कर लेता है कि यह पात्र है। इसको जो मैं शिक्षा दूंगा, इसको भली भांति यह ग्रहण करेगा, ग्रहण करके इसका सही उपभोग करेगा, समाज के हित में परोपकार की भावना से इसको सही सही स्थान पर जैसा जैसा इसका उपयोग किया जाना है या उन्हीं मार्गों में इसका प्रयोग करेगा, इसका दुरुपयोग तो नहीं करेगा। जो गुरु के द्वारा परीक्षण करके जिस शिष्य को शिक्षा, वह किसी भी क्षेत्र की हो सकती है, जो दी जाती है, जो गुरु के द्वारा परीक्षण किया जाता है कि यह पात्र है या कुपात्र है, वह पात्रता का विश्लेषण जो करता है और जिसके द्वारा जाना जाता है वह भाव है यह दशम भाव। व्यक्ति के गुण एवं स्वभाव के विषय में भी इस दशम भाव से ज्ञात किया जाता है। कैसा गुणशील व्यक्ति होगा, किन गुणों में विशेष रूप से उसकी प्रचुरता होगी या बहुत ज़्यादा निपुण होगा, और उन गुणों के द्वारा वह अपने परिवार का, अपने माता पिता का, अपने गुरुजनों का नाम आगे बढ़ाएगा। ऐसा गुणशील व्यक्तित्व वाला व्यक्ति होगा या गुणहीन होगा, जिसके अंदर गुणों की कमी होगी या फिर मध्यम श्रेणी। यहाँ पे हम चर्चा करते हैं बार बार, तो एक बात सभी विद्यार्थियों को, जातकों को, समझने वालों को जो सीखना चाहते हैं, एक बात विशेष तौर पे मैं बताना चाहूँगा कि कोई सा भी ग्रह हो, कोई सा भी भाव हो, कोई सी भी राशि हो, वह हमेशा तीन तरह से अपना बल प्रदर्शन करती है, उत्तम, मध्यम और निम्न। अर्थात हम उसके ग्रह स्थिति, राशि की गणना, राशि का स्वभाव और किस भाव पर विराजित है, इन सारी चीज़ों का अंकन करके उत्तम, मध्यम और निम्न श्रेणी का अंकन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यही भाव आयु के विषय में भी बताता है कि जातक की कितनी आयु होगी, अल्पायु होगी, दीर्घायु होगी या मध्यम श्रेणी की आयु होगी, यह सब कुछ जानकारी इस दशम भाव के द्वारा भी ज्ञात की जाती है। व्यक्ति कितना अपने जीवन में उत्कर्षशील, उन्नति प्राप्त करने वाला, जीवन में आगे बढ़ने वाला, अपने जीवन को एक
निश्चित लक्ष्य तक पहुंचाकर अपने कृत संकल्पों को पूर्ण करने वाला, यानी कि अपने स्वयं के लिए जो उसने संकल्प लिए हैं कि मुझे इस स्थान को पाकर ही रहना है और वह उस स्थान को छू ले, पा ले, हस्तगत कर ले, ऐसा कृत संकल्प करके आगे बढ़ने वाला उत्कर्षशाली जातक है। यह केवल मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने वाला, ख्याली पुलाव पकाने वाला जातक है। उसके जीवन में वह कितना मान सम्मान प्राप्त करेगा, उसे जिस स्थान पर जाता है हजारों की भीड़ मान सम्मान देती है, या एक मध्यम श्रेणी की स्थिति में उसको मान सम्मान प्राप्त होता है, या अल्प श्रेणी में होता है, या फिर उसे घर का पड़ोसी भी नहीं जानता है। ये बातें भी अगर ज्ञात की जाती है तो इसी दशम भाव के द्वारा ज्ञात की जाती है। वह अगर नौकरी व्यवसाय में है, नौकरी में है, सारी सरकारी नौकरी में है या कोई प्राइवेट जॉब में है, जिस भी नौकरी में है, तो किस पद पर है? बहुत उच्च पद पर उच्चासीन है, मध्यम श्रेणी का है या निम्न श्रेणी का है, यह बात भी, उसकी पद की गरिमा क्या है और उस गरिमा को बनाए रखने में वह कितना सक्षम है, इस बात की जानकारी भी हमें यही भाव दर्शाता है। उसको सत्ता के अंदर राजयोग है, बहुत ऊंचे पद तक वह राज्य का संचालन करने वाला कोई नेता है, कोई विधायक है, सांसद है, मंत्री है, प्रधानमंत्री है, किस ऊंचाई तक वह पद की गरिमा पर पहुंचता है, कितना उसकी नाम शोहरत इज्जत के डंके बजते हैं, या मध्यम श्रेणी अल्प श्रेणी का है, यह जो सत्ता का सुख है उसे किस मात्रा में प्राप्त है और उन सुखों को वह कैसे अपने लिए, अपने समाज के लिए, जिन बातों को लेकर वह कल्पना करके आगे बढ़ा है, कितना आगे बढ़ाने वाला है, यह सारी बातें इसी भाव के द्वारा ज्ञात की जाती है। उसका अधिकार क्षेत्र कितना व्यापक है, किन किन क्षेत्रों में वह अपने अधिकारों के द्वारा जो चाहता है वो हासिल कर लेता है, या अधिकार प्राप्त होने के बाद भी जो चाहता है वह उसके हाथ से फिसल जाता है, उसे रोक नहीं पाता, निकल जाती है चीजें उसके हाथ से, ऐसा हतभाग्य है। बहुत दुर्भाग्यशाली होते हैं वो व्यक्ति कि जिनके पास पावर हो और उस पावर का वह उपयोग ना कर पाए। हम हैं, हमारे पास पावर नहीं है तो हम अपना मन महसूस कर रह जाते हैं, कोई बात नहीं, पर पावर होते हुए हमारे पास पद है, अधिकार है, और हम उसका उपभोग न कर पाए तो वह बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण माना जाता है। वह व्यक्ति अपने पिता को सुख देने वाला है, उसके पिता उससे संतुष्ट है, उसके आशीर्वाद दाता है, उससे प्रसन्न रहकर उनके मुंह से हमेशा आशीर्वाद निकलते रहते, या वह पिता को कष्ट पहुंचाकर उनके दुराशीष का भाजन बनता है, पात्र बनता है। उसको अपने कर्म करने के द्वारा वह जो भी जिस भी कर्म में प्रवृत्त है, व्यवसायिक है, पांडित्य कर्म करता है, कोई दूसरे सांसारिक कर्मों में प्रवृत्त है, जो भी उसका कर्म क्षेत्र में है उसमें उसने अपनी कितनी सिद्धियां, यानी कि कितनी मात्रा में उनको अपने पक्ष में दोहन कर रखा है और उनको दोहित करके उनका लाभ ले सकता है। उसका जीवन में मान अपमान, मान हानि कब किन कारणों से, स्वयं के कारणों से या दैविक कारणों से या सामाजिक राजनीतिक कारणों से, कब कहाँ उसकी मान हानि होती है, मान प्रतिष्ठा बढ़ती है, यह भी इसी भाव से जाना जाता है। उस व्यक्ति के, यानी कि उस जातक के जीवन में वह कितना स्वयं अनुशासित है या किसी के द्वारा अनुशासित किया गया है, या वह स्वयं अपने आप को अनुशासन के ऐसे ढांचे में ढाल लेता है कि लोग उसको अपना आदर्श पुरुष मानकर
उसके पद चिन्हों पर चलने लगते हैं। उसका जीवन में जो व्यवहारिक ज्ञान है, अपना जो दैनिक दिनचर्या जीने की उसकी एक प्रवृत्ति है, एक उसका जो प्रातः से लेकर संध्या काल तक का जो एक दैनिक कार्य प्रणाली है, उसको वो किस तरह से अंजाम देता है, उसका जीवन जीने का तरीका क्या है, शैली क्या है, जिसे देखकर लोग बहुत प्रभावित होते हैं या जिसे देखकर लोग घृणा से नाक मुंह सिकोड़ने लगते हैं, या दोनों ही स्थिति नहीं बनती, तटस्थ भाव वाली मध्यम श्रेणी वाली स्थिति बनती है, किस प्रकार का वह अपना जनजीवनी स्तर अपने जीवन में इस्तेमाल करता है, इस बात की जानकारी यही भाव दशम भाव में दर्शाता है। उसे राज्य के द्वारा, सरकार के द्वारा कौन से पद की प्राप्ति है, क्या मान्यता है, उस पद की गरिमा को वह कैसे गौरवान्वित करता है या उसे क्षीण कर देता है, इस विषय के में जो जानकारी प्राप्त होती है इसी भाव के द्वारा होती है। वह जिस पद पर भी है उसका क्या लाभ स्वयं के लिए ले पाता है, अपने जो प्रशासन का जहां उसका दायित्व है उसको दे पाता है या उसकी हानि कर देता है, उसने अपने जीवन में किन किन विषयों में विशेष परीक्षाओं को उत्तीर्ण किया है, किन विषयों को अपने लिए उसने बहुत ज़्यादा लाभ देने वाला बना लिया है, उसकी उपजीविका आजीविका चलाने का संसाधन क्या है, किन संसाधनों के द्वारा, व्यापार व्यवसाय के द्वारा, कृषि के द्वारा, नौकरी पैसे के द्वारा, किस कार्यक्षेत्र को चुनकर वह आगे बढ़ता है, इत्यादि सारी बातों की जो जानकारी हमें देने वाला है, तो वह यही दशम भाव है। इस दशम भाव पर अगर मंगल ग्रह विराजित है तो वह इसके लिए बहुत योगदान देने वाला, बल वृद्धि करने वाला या कारक ग्रह माना जाता है। इसी पर गुरु, सूर्य तथा शनि अगर एक साथ बैठ जाए तो सोने में सुगंध वाली बात है, बहुत ज़्यादा इसका बल बढ़ जाता है। इनमें से कोई एक या दो बैठ जाए तो मध्यम वाली स्थिति, एक बैठ जाए तो साधारण वाली स्थिति है, और अगर चारों ग्रह एक साथ बैठ जाए तो फिर तो कहना ही क्या है। किंतु इसी भाव पर ये चारों ग्रह में से कोई एक ग्रह भी नहीं हो तो उसका बल क्षीण हो जाता है। इस भाव पर अगर हम शरीर के अंगों के विषय में जानना चाहें कि किन अंगों पर क्या प्रभाव होता है, तो विशेष करके दोनों गाल, दोनों घुटने, रीढ़ की हड्डी इत्यादि के विषय में ज्ञात किया जा सकता है कि इनमें कब, किन स्थितियों में, किन महादशाओं में क्या रोग उत्पन्न होगा, रोग कितने समय तक उसको बाधित करता रहेगा या अल्प समय बाधा देकर चला जाएगा, इत्यादि बातों के विषय में जो हमें ज्ञात होता है इसी दशम भाव से होता है। जय माँ विंध्यवासिनी, जय माँ पीतांबर। दोस्तों, जैसा कि अब तक पंडित जी से हमने ज्योतिष के बारे में जाना और समझा भी, तो अगर आपको भी अधिक जानकारी इस विषय पर चाहिए तो कॉल करें नीचे दिए गए नंबर पर और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल ज्योतिष से समाधान।